हेलो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, जाड़े के इस मौसम में हमारे बागों में गुलाब के फूलों का बहुत ही अधिक आकर्षण रहता है। सभी को ये पसंद है कि हमारे बाग में अधिक से अधिक गुलाब के फूल खिलें। तो आज का जो वीडियो है ये मैं इस बहुत अधिक ठंड यहाँ पर पड़ रही है, लेकिन फिर भी आज का वीडियो मैंने जो है ये गुलाब की वाइन के ऊपर बनाया है। ये देखिए बेल गुलाब की, ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और ये जो है ये ऊपर से नीचे तक ये इतनी ऊंची हो गई है। इसको मैंने 14 इंची के बड़े गमले में लगा रखा है और ये काफ़ी फैल गई है और देखने में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। बट अभी धूप ज़्यादा ना होने की वजह से इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम है। तो अपने आज के वीडियो में मैं आपको गुलाब वाइन के केयर के बारे में बताऊंगी। इसके कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कितना पानी दें, कब इसकी गुड़ाई करें, किस प्रकार से इसको हम अच्छे से अच्छा बनाएं जिससे हमें बहुत अधिक फ्लावर्स मिलें, इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोज़ वाइन फ्रेंड्स सेंसिटिव होती हैं, तो इनको जो है वो पानी कम देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनमें जो है वो ज़्यादा पानी देंगे तो वाटर ज़्यादा पा करके जो है वो ये इनमें जो है ये रूट रॉट की इनकी जड़ों में रूट रॉट हो जाता है और इनकी डालियां भी काली पड़ने लगती हैं। काली पड़ के और उनको हमें कट करना पड़ता है, जिससे कि ये फैलने के बजाय ये वाइन जो है वो और छोटी होती चली जाती है। तो इसलिए जो है ये इसमें पानी कम से कम दीजिए। और ये देख लीजिए कि गमला जब आपको जो है वो सूखा हुआ ड्राई टाइप का लगे तब आप उसमें पानी दीजिए। मैं अपनी इस बेल में 10 दिन में एक बार पानी देती हूँ, कम पानी देती हूँ, ताकि इसे फैलने का पूरा मौका मिले। इसके साथ ही जो है इसमें 5 दिन में एक बार आप गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से क्या होता है कि ये इनके पोर्स जो हैं ये इसमें एयर का सर्कुलेशन अच्छा होता है, पोर्स खुल जाते हैं, इनमें ऑक्सीजन और जो है वो ताज़ी हवा जाती है, जिससे कि ये बहुत ही बुशी हो जाती है और बुशी होके ये सब तरफ फैल जाती है। देखिए इसकी कितनी शाखाएं, इसको मैंने सीधा चढ़ाया तब भी इसमें जो है शाखाएं निकल निकल के जो है वो इधर उधर जो है वो फैल रही हैं। इनको भी मैं सबको बांध दूंगी। तो इसमें जो है वो पानी का बहुत अधिक हमें ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो है इसमें गुड़ाई भी करते रहना है। ये रोज़ वाइन जो है ये इसका हम जाड़े के दिनों में, जबकि इस समय जो है वो सब जगह रोज़ेस जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं, इसकी हम प्रूनिंग भरे जाड़े में भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े जाड़े में अगर हम करेंगे तो इसकी ये जो डालियां जिन पे कि ये सब बर्ड्स वगैरह जो आ रही हैं, जो बढ़ रही हैं, ये सब जो हैं ये कट जाएंगी, इससे ये बेल जो है वो छोटी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में बहुत अधिक बुशी होके आएगी। तो ये आपके लिए रिस्क है कि आप अगर चाहते हो कि हम इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए बुशी बनाएं तो आप इसका जब मेन फ्लावरिंग सीज़न है उसमें भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। रोज़ वाइन के खिलने का समय, मैक्सिमम फ्लावर्स देने का समय फरवरी, मार्च और अप्रैल होता है, जिसमें कि इसमें मैक्सिमम बर्ड्स आती हैं और ये बिल्कुल फूलों से भर जाती है। इसके बाद मई जून में, अगस्त में इसमें आपको फ्लावर्स कम दिखाई देंगे, तेज़ ठंड में भी कम दिखाई देंगे इसमें फ्लावर्स। उसके बाद में जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आता है तो ये फिर एक बार ब्लूम करती है, तो ये इसके ब्लूमिंग का समय होता है। रोज़ वाइन आपका अगर आप चाहें तो ये नर्सरीज़ में आपको आसानी से मिल जाती है, पर नर्सरीज़ में अक्सर जो है वो माली लोग जो है ये कह के कि ये रेड कलर है, क्योंकि हम लोगों को रेड कलर बहुत पसंद होता है, स्पेशली मुझे तो रेड रोज़ वाइन जो है वो पसंद है। इसके और पिंक और वाइट कलर भी आते हैं, लेकिन वो इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते जितने कि ये रेड कलर लगता है। तो इसलिए जो है वो ये कह देते हैं कि हाँ ये रेड रोज़ वाइन है और आपको जो है वो सेल कर देंगे, पर जब ये बड़ी होगी और फ्लावर देगी तो आप देखेंगे इसमें से
थोड़ा इसमें से वाइट या पिंक फ्लावर निकल आए, तो इसलिए अगर आप कहीं देखते हैं कि रोज़ वाइन रेड कलर की लगी हुई है, तो आप बेटर ये है कि आप उसमें से ये कलम ले लें, और कलम लेकर के जैसे इतनी ये कलम है और इसमें जो है वो आपके नोट्स हैंगे, उसको आप बोएं कलम लेके लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके सामने ये होगा कि हाँ ये रेड कलर के ही गुलाब हैं। एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि रोज़ वाइन को अगर आपके यहाँ ज़मीन पे जगह है और आप चढ़ा सकते हैं उसको, ऊपर किसी भी चीज़ से टाई अप कर सकते हैं, तो ज़मीन में इसकी जड़ें अच्छी फैलती हैं। वैसे तो जो हमारे पास हाइब्रिड क्वालिटी के गुलाब होते हैं, देसी बड़े वाले गुलाब होते हैं, उनसे इनकी जड़ें स्मॉल ही होती हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन में ज़्यादा जगह होती है। पर क्योंकि यहाँ पर ज़मीन की कमी है, थोड़ी सी बंदरों की भी प्रॉब्लम है, तो मैं ज़्यादातर अपने प्लांट्स जो हैं वो गमले में ही लगाती हूँ, ताकि उनकी देखभाल में भी मुझे आसानी रहती है। अब मैं रोज़ वाइन के आपको सनलाइट के बारे में बताऊं, तो जाड़ों में इसको आप जितना अधिक से अधिक सन में रख सकें अच्छा है। रोज़ वाइन को ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप सभी प्लांट्स को, वो चाहे सीजनल हैं चाहे वो परमानेंट हैं, अगर उनको आप सन दे सकें, सन में रख सकें, तो उनके लिए अच्छा होता है। देखिए हम लोगों को भी ठंड में सन में रहना अच्छा लगता है, तो इन प्लांट्स को भी धूप बहुत अच्छी लगती है। अब अगर मैं इसके फर्टिलाइज़र की बात करूं, तो इसके लिए बहुत सबसे अच्छी होती है सड़ी हुई पुरानी आप गोबर की खाद इसमें डालिए। महीने में एक बार गोबर की खाद डालिए, चाय की पत्ती डालिए, वो इसके लिए अच्छी है। इसके साथ ही जो आपका ये लकड़ी की कोयले की जो राख आती है, वो अगर आप इसमें डालेंगे तो उससे इसको रोज़ वाइन को बहुत फ़ायदा मिलता है। जो लकड़ी की कोयले की खाद होती है, उसमें बहुत मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटाश होता है। इसमें यहाँ पर गुड़ाई करिए, गुड़ाई करके और वो आप इसमें मैन्योर डाल दीजिए, लेकिन उसके बाद खाद देने के बाद इसमें जो है वो 2 दिन तक पानी ना दीजिए, उसके बाद पानी डालिए। इसको फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश सब कुछ उस वुड ऐश से मिलेगा, और ये घनी से घनी होती चली जाएगी। मैं इसमें एक बार गोबर की खाद डाल चुकी हूँ, और इसके साथ ही मैंने इसमें वुड ऐश का भी प्रयोग किया है, तभी इसकी इतनी हरी हरी और सुंदर डालियाँ दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस रोज़ वाइन को आप भी लगाइए, एक अच्छा और नया लुक गार्डन में देती हैं। इसको टाई अप कर दीजिए। मैंने तो एक ये वुड की स्टिक है चौड़ी वाली, उसके ऊपर पूरा इसे रस्सियों से बांध दिया है। अभी अभी ये और ऊंची हो जाएगी, तो मैं इसको सहारा देके और ऊपर चढ़ा दूंगी, और अभी फरवरी में तो इसमें बहुत सारी बर्ड्स आएंगी और काफ़ी खिलेंगी, जिस प्रकार से ये हरी भरी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रोज़ वाइन के ऊपर मेरे ये टिप्स अच्छे लगे हों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप भी अपने गार्डन में रोज़ वाइन लगाइए, जो कलर आपको पसंद हो वो ला के लगाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।